हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस क्लास। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधारी राशियों के बारे में, और इसके बारे में यार आज हम डिटेल में जानेंगे। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था भौतिक राशियां, उनके बताए थे उनके टू टाइप्स होते हैं कि कौन कौन। तो एक आधारी राशि होती है, एक व्युत्पन्न राशि होती है। आधारी राशि वैसी राशियाँ होती हैं जो किसी और पर डिपेंड नहीं होते, यानी जो फंडामेंटल यूनिट होती हैं, जो फंडामेंटल क्वान्टिटीज़ होती हैं, ठीक है। और एक होती व्युत्पन्न राशि, यानी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको समझाने के लिए आपको आधारी राशि की हेल्प लेनी पड़ती है, उसे कहते हैं व्युत्पन्न राशि, यानी ड्राइव क्वांटिटीज़, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे आधारी राशि के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बता दिया था कि आधारी राशि ही मेन होती है, और वहाँ मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि आधारी राशि कितनी तरह की होती है। तो आधारी राशि बेसिकली कितना है, 7 है नंबर में, ठीक है। तो कौन कौन है, चलिए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आधारी राशि है, सबसे ऊपर है इसका एसआई मात्रक, यानी एसआई यूनिट क्या होता है, और यहाँ पर उसका है संकेत, यानी संकेत क्या है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये है लंबाई, लंबाई बोले तो लेंथ, कितना लंबाई है। तो उसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, और उसका संकेत क्या होता है, स्मॉल एम, ये तो सब कोई जानता है। आगे बढ़िए, द्रव्यमान यानी कि मास, किलोग्राम होता है उसका यूनिट, यानी उसको मापते हैं किसमें, यूनिट का मतलब क्या होता है, मात्रक का, मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था, जिसे नापा या तौला जाता है, उस युक्ति को कहते हैं, ठीक है, यानी उसको कहते हैं। जैसे कि देखिए, द्रव्यमान का किसमें नापते हैं, तो भाई एसआई मात्रक क्या है, तो किलोग्राम, एसआई मात्रक बोले तो एसआई यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर उसका संकेत क्या है, केजी। और देखिए, यहाँ पर है समय यानी कि टाइम, उसका एसआई यूनिट होता है सेकेंड, जैसा कि आपको पता ही है। और उसका संकेत क्या होता है, स्मॉल एस, यहाँ पर कैपिटल एस लिखना आप लोगों का गलत होगा, यहाँ पर जिस तरीके से लिखा हुआ आप लोगों को उसी तरीके से लिखना है। जैसे कि यहाँ पर सेकंड को स्मॉल एस से लिखा जाता है, आप लोग कैपिटल एस नहीं लिखिएगा, बिकॉज वो गलती हो जाएगा, बिकॉज जो आपका संकेत होता है ना, वो एकदम रूल के अकॉर्डिंग किया जाता है। यहाँ पर स्मॉल एस है तो आपको स्मॉल एस ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, विद्युत धारा एम्पियर, जिसका कैपिटल ए के से क्या सूचित किया जाता है, यानी संकेत है एम्पियर, जानते हैं ना, 6 एम्पियर का लाइन आ रहा है, 5 एम्पियर वगैरह, यही है विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। पांचवा हम लोग का क्या है, तो टेम्परेचर है, ठीक है, यानी उसको किसमें एसआई यूनिट क्या है, सेल्सियस नहीं है या फॉरेनहाइट नहीं, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसका एसआई यूनिट क्या है, तो भाई है केल्विन, ठीक है, ये वाह है, ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, केल्विन, यानी इसको किससे, कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। डोंट वरी, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों का न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाऊंगा। बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए आता है, उसे हम लोग मैथ ना बोल के न्यूमेरिकल बोलते हैं। इज दैट क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ज्योति तीव्रता, यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये थोड़ा सा हाई लेवल वाला आ गया, ठीक है, ये आप लोगों को आगे क्लास में पता चलेगा, ये वाला तो अभी पता चल रहा है, ये वाला थोड़ा सा आगे जाके पता चलेगा। उसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो कैंडेला, उसको डिनोट किससे किया जाता है, तो सी डी, स्मॉल सी स्मॉल डी, सी डी, ठीक है। पदार्थ का परिमाण यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका क्या होता है, मोल, एम ओ एल, ठीक है, कैप स्मॉल है, एम ओ एल, ठीक है। तो ये कितनी है, 7 आधारी राशियां हैं। बेसिकली फिजिक्स में जितने भी आप लोगों को कैलकुलेशन करना होगा, इन्हीं 7 आधारी राशियों में से ही वो सब ड्राइव्ड होके आता है। तो कैसे आता है वो आप लोगों को पता चलेगा, जिस समय फॉर्मूला बनता है उसी समय। अभी तो आप लोग सिर्फ फॉर्मूला रखते हैं, फॉर्मूला ड्राइव भी होगा, आपको ये प्रूफ किया जाएगा कि ये आया तो आया कैसे, ठीक है। तो ये सब 7 आधारी राशियां जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ये VVI है, ठीक है। आइए, आप कहीं भी चल जाइए, जो बच्चों का 11th टारगेट करना है, साइंस है, वो लोग ध्यान दें, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 7 आधारी राशि और विथ इसका संकेत। अब हम लोग बढ़ लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि मात्रक पद्धति के बारे में, ठीक है, मात्रक पद्धति, ठीक है, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सबसे पहला यूनिट आता है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, यानी FPS सिस्टम, इसे अगर इंग्लिश में कहा जाए तो देखिए, इसे संक्षेप में FPS पद्धति भी कहते हैं, यानी F से फुट, पी से पाउंड, एस से वॉट, एस से सिस्टम, ठीक है, एस से सिस्टम नहीं होगा, एस से सेकंड होगा, FPS, ठीक है, एस से सिस्टम आपको नहीं लेना, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, लंबाई का यूनिट क्या होता है, फुट होता है, लंबाई को फुट में नापा जाता है, ज़्यादातर ह्यूमन बॉडी जो होती है उसकी फुट में ही नापा जाता है। मेरा हाइट 5 फुट है, 6 फुट है, जितना भी आपका
हाइट होता है वो आदमी फुट में ही नापता, ये नहीं बोलता मेरा 1 मीटर 2 मीटर है, ये सब छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और देखिए द्रव्यमान पाउंड, अब बताइए पाउंड का क्या काम होता है। केक लेने जाते हैं उसमें बोलते हैं हम लोग, ये नहीं बोलते हैं कि 1 किलो का केक दीजिए, यहाँ पे बोलते हैं कि 1 पाउंड का केक दीजिए या 2 पाउंड 1.5 पाउंड जितना भी मन हो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया जाता है। समय सेकेंड, समय का तो एकदम सेकेंड है फंडामेंटल, कहीं भी कोई भी सिस्टम में इन कर जाइए। बेसिकली सिस्टम ऑफ यूनिट जो है 3 तरह का होता है, 1, 2 और 3। इसमें से मैं भी बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है, ठीक है। तो समय का क्या होता है सेकेंड। अब नोट में लिखा गया है यहाँ पर आप लोगों को कि इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं, ये आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए ब्रिटिश पद्धति किसे कहते हैं। FPS को, CGS को, MKS को, ये सब का नाम दे दिया जाएगा। आपको किस में लगाना है, आपको लगाना है FPS में, यानी फुट पाउंड सेकंड पद्धति को ही क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति। बिकॉज पाउंड जो होता है, एक बात ध्यान में रखिए, पाउंड कहाँ चलता है तो ब्रिटेन में चलता है, हम लोग इस्तेमाल में ले लेते हैं बट पाउंड कहाँ चलता है तो ब्रिटेन में चलता है। जानते हैं ना ब्रिटेन का मुद्रा का क्या नाम है, वहाँ करेंसी का क्या नाम है, पाउंड नाम है, ठीक है। तो उसी से आप लोगों को याद कर लेना, इसे क्या कहा जाता है तो ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। दूसरा जो है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति इसका नाम है। तो इसे संक्षेप में CGS पद्धति भी कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। इसको इस सिस्टम में हम लोग लंबाई को किस में नापते हैं तो सेंटीमीटर में नापते हैं, ठीक है। और द्रव्यमान को किस में नापते हैं, ग्राम में। समय को किस में मापते हैं तो सेकंड में। ये एकदम सब में तीनों में ये जो सेकंड है ये एकदम बेसिक आपका चलता रहेगा, ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर लंबाई को कभी फुट में नापे हैं कभी सेंटीमीटर में नाप रहे हैं, ठीक है, ये मैं आगे थोड़ा देर में क्लियर कर रहा हूँगा। नोट, इसमें भी नोट है, इसे मीटर पद्धति भी कहते हैं। कौन सा पद्धति, तो मीटर पद्धति। ये सब ऑब्जेक्टिव अभी से आपका तैयार हो रहा है, ठीक है। आपको कहीं से भी NCERT पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ रहे हैं तो उतना कोई चिंता वाली कोई बात नहीं, बिकॉज यहाँ पर हर एक पॉइंट को एकदम डिटेल में बताया जा रहा है। अब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ ही साथ आप लोगों का कंप्लीट करवा दूंगा, जैसे ही आपका 2-3 मंथ क्लियर हो जाएगा 1-2 चैप्टर, तो मैं आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर पे 50-60 ऑब्जेक्टिव होंगे तो उतना तो सफिशियंट है भाई, उसमें से तो आपका मात्र 5-6 ही आने वाला, बिकॉज और भी तो चैप्टर है ना फिजिक्स में। तो तीसरा क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, ठीक है। इसे संक्षेप में कहते हैं MKS पद्धति, यानी मीटर के से किलोग्राम एस से सेकंड पद्धति, ठीक है। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। अब आपको यहाँ पर यह डाउट होता होगा कि ये सब इतना सारा सिस्टम है तो हम लोग फॉलो किसको करें, तो हम लोग जान लीजिए फॉलो तो हम लोग कहीं ना कहीं तीनों में से करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, केक हम लोग क्या मीट हम लोग क्या केजी में लेते हैं, नहीं लेते हैं, पाउंड में लेते हैं, तो ये वाला भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, टाइम वाला तो फॉलो कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग लंबाई को भी फुट में नापते हैं। ज़्यादातर ह्यूमन बॉडी की लंबाई किस में नापी जाती, तो फुट में, यानी हम लोग इसका भी पालन कर रहे हैं FPS सिस्टम का भी। अब आते हैं सेकेंड पे, सेकेंड में हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, बिकॉज अब एक बात बताइए, जब लंबाई की अमाउंट एकदम छोटी होगी, ठीक है, तो उसको किस में नापेंगे, हम लोग सेंटीमीटर में नापेंगे। अब इसको हम लोग मीटर में नापेंगे तो उसका आंसर किसका आएगा, इसका अगर हम लोग लेंथ नापें सेंटीमीटर में तो बताइए इसका वैल्यू एकदम छोटा आएगा। क्यों छोटा आएगा, मीटर में छोटा आएगा बिकॉज यहाँ पर इसका मीटर जो है वो बड़ा यूनिट हो गया, वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा डिस्टेंस के लिए, ज़्यादा लंबाई वालों के लिए, इसका लंबाई कम है तो इसके लिए कम यूनिट लेवल वाला यूनिट आना चाहिए, वही कम लेवल वाला यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। उससे भी कम क्या होगा, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर वगैरह, ठीक है। उसी तरह ग्राम भी है, ठीक है। तो अब हम लोग द्रव्यमान को ग्राम में भी नापते हैं, बोलते हैं ना 50 ग्राम ये दे दीजिए, 50 ग्राम वो दे दीजिए, कुछ भी, ठीक है। और समय को तो सेकेंड आप भी जान रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कहीं ना कहीं ये भी फॉलो करते हैं, लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं, ज़्यादातर तो हम लोग मीटर में ही नापते हैं, 10 मीटर है, 50 मीटर है, और कहीं कहीं तो किलोमीटर भी नाप दिया जाता है। अब बताइए रोड जो होता है, मान लिया 2000 मीटर होगा तो उसको 2000 मीटर बोलने में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, उसको 2 किलोमीटर बोल देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज उसका लंबाई जो है ज़्यादा है तो उसके लिए बड़ा यूनिट का ज़रूरत होगा। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर सेंटीमीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका लंबाई का वैल्यू छोटा होगा उसके लिए सेंटीमीटर इस्तेमाल किया जाए, जैसा कि ये मार्कर एग्जाम्पल में है। और द्रव्यमान का भी वही हाल है,
अब मान लीजिए आपको जाना है चीनी खरीदने, मान लीजिए 5 किलो आप खरीद रहे हैं, तब क्या बोलिएगा, 5000 ग्राम हमके हमें चीनी दीजिए, नहीं बोलिएगा 5000 ग्राम दीजिए, अब क्या बोलिएगा, सीधा 5 केजी चीनी दीजिए। वहाँ पे केजी क्यों इस्तेमाल किए, क्योंकि हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तो हम लोग बड़ा यूनिट लगा दें, यानी 12 अमाउंट रहेगा तो बड़ा यूनिट, छोटा अमाउंट होगा तो छोटा यूनिट। वो आप लोगों को आगे प्रैक्टिस करके पता चल जाएगा, कितने बच्चों को तो यहीं पे क्लियर भी होगा, बिकॉज ये सब चीज़ वो अब्जॉर्व करते होंगे, हमारे आसपास ये सब होते रहता है, कोई नया चीज़ नहीं, ये सब हम लोग के रियल लाइफ से ही रिलेटेड है, ठीक है। ये क्या है, मीटर सिस्टम है, हम कहीं ना कहीं तीनों सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन साइंस में न्यूमेरिकल बनाते समय, न्यूमेरिकल जब आपको सॉल्व करना होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया, फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स होते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करते समय आप लोगों को ज़्यादातर किस में आएगा क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला में आएगा, ठीक है, ये वाला VVI है, ठीक है, ये वाला भी VVI है, इसका उतना काम नहीं है, ये वाला है रियल लाइफ में इसका काम है, बट अगर हम न्यूमेरिकल पर्पज़ से बात करें, बिकॉज जिन बच्चों का मैथमेटिक्स वगैरह ये सब लेना है, चैप्टर साइंस में रुचि है, तो उन्हें न्यूमेरिकल वगैरह पे ध्यान देना होगा, तो इसलिए इसमें ये सब काम नहीं आता। इसमें कौन सा काम आता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति MKS। अच्छा, एक बात आप लोगों ने नोटिस किया, यहाँ पर जो लंबाई का यूनिट दिया हुआ है मीटर, ठीक है, यहाँ पे लंबाई का जो मीटर दिया हुआ है वो इससे भी मैच कर रहा है, लंबाई का मीटर से, और यहाँ द्रव्यमान का किलोग्राम दिया हुआ है तो यहाँ से भी मैच कर रहा है, और समय का सेकंड तो तीनों में ही मैच कर रहा है, यानी कि MKS पद्धति को ही हम लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, SI यूनिट, SI सिस्टम जो बेस्ड होता है वो किस पे बेस्ड होता है, MKS को, ठीक है, यानी SI सिस्टम को क्या कहा जाता है, MKS सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर लिख दे कि इसका SI यूनिट बताइए तो आप आराम से बता देंगे, क्योंकि वो SI यूनिट ऐसा यूनिट है जो पूरे दुनिया में मान्यता जिसे मिला हुआ है, जैसे कि अलग अलग कंट्री में जाएंगे तो जैसे कि ब्रिटेन में जाइएगा वहाँ पाउंड से नापा जाता है, इंडिया में केजी वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, तो साइंटिस्ट लोग को बड़ा कंफ्यूजन होने लगा, क्योंकि कैलकुलेशन करते समय सबका वैल्यू अलग अलग आ जाएगा अगर आप लोग यूनिट अलग अलग लीजिएगा तो। इसी को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट लोग का बैठा टीम, वहाँ उन लोगों ने डिसाइड किया कि एक ऐसा सिस्टम लाते हैं, जो साइंस की नज़र में पूरा दुनिया में एक समान होगा, जिसे सबको फॉलो करना ही करना होगा, तो वो इसीलिए उन लोगों ने SI सिस्टम लाया। मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम जो है, MKS सिस्टम, यही तीन सिस्टम का उदाहरण है, ये तीनों सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, बट लेकिन ज़्यादा अगर आपको एकदम क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो आपको किसी भी हालत में इस सिस्टम पे ही आपको सॉल्व करना है, कौन सा, SI यूनिट, यानी कि MKS सिस्टम, ठीक है। और CGS वाले का उतना काम नहीं, वो आपको बोल देगा कन्वर्ट कर दीजिए CGS में, ठीक है, तो आपको कन्वर्ट कर देना है, नहीं तो 90% केस में यही वाला आप लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा, समझ गए, वो इसलिए क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम आ जाएगा क्वेश्चन में, इंटरनेशनल सिस्टम किसे कहा जाता है, तो आपको लिखना SI यूनिट या MKS सिस्टम, ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ ही, बिकॉज अलग अलग देशों में लंबाई के लिए अलग यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, चौड़ाई के लिए अलग, और द्रव्यमान वगैरह मास के लिए अलग इस्तेमाल किया जाता है, तो कन्फ्यूज़न तो होगा ही, इसीलिए ये इंटरनेशनल सिस्टम लाया गया है जो पूरी दुनिया में जिसे वैलिड किया गया है, यानी कि साइंस की नज़र में यही एक स्टैंडर्ड यूनिट है। हाँ, स्टैंडर्ड यूनिट भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा 90% केस में यही आपका इस्तेमाल किया जाएगा, लास्ट में बोल देगा कि इसका आंसर CGS सिस्टम में लगेगा, तो मीटर में रहेगा तो उसको सेंटीमीटर में बदल दीजिएगा, ठीक है, वो तो जब मैं आप लोगों को बताऊँगा तो आप लोगों का क्लियर हो ही जाएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को अभी से बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग इस पर ध्यान दे दें आराम से, समझ गए, क्योंकि ये जो MKS सिस्टम है बहुत, आपको 11th 12th BTech कहीं भी कर लीजिए आपको MKS सिस्टम में ही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, यानी कि यही एक इंटरनेशनल सिस्टम है, एक होता है ना एकदम जो सर्वमान्य, ठीक है, जैसे डॉलर सब जगह मान्य, तो वैसे ही MKS सिस्टम सब जगह मान्य है, समझ गए, यानी इसी पे पूरा आपका न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। ये CGS वाला भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इसका उतना कुछ काम नहीं है, लेकिन हम लोग के रियल लाइफ में काम है, अगर साइंस में न्यूमेरिकल की बात की जाए तब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, ज़्यादातर इन दोनों का काम है, ठीक है, तो आप लोगों को इन दोनों पे ज़्यादातर फोकस करना है, और MKS को ही क्या SI यूनिट कहा जाता है, ठीक है, जो हमने आप लोगों को यहाँ पर लिखवा दिया है सब चीज़ का, ये फंडामेंटल्स है, ये इन्हीं लोग
पे बेस्ड है एसआई यूनिट, इसीलिए यहाँ पर एसआई यूनिट लिखा, यहाँ पर सीजीएस यूनिट क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर एफपीएस यूनिट क्यों नहीं लिखा, बिकॉज एसआई यूनिट जो होता है वो इंटरनेशनल यूनिट होता है, यानी कि सब जगह यही आप लोगों का मान्यता इसमें प्राप्त है। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों का जो वैल्यू होता है, जैसे माइक्रोमीटर क्या होता है, मिलीमीटर क्या होता है, ये सब बारे में और आपको डेप्थ में जानकारी मिलेगी। आई होप आपका आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर समझ में आए आज का वीडियो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे अगले क्लास में, नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।